अगर आप अपने पैसे डबल करने के लिए शेयर बाजार में नहीं जाना चाहते हैं, ना ही आप म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास कोई विकल्प है? आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं जी, आपके पास फिर भी एक विकल्प है, और वो विकल्प है ETF का। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो ये ETF है ना, ये डेवलप्ड मार्केट मतलब विदेशों में तो खूब चलता है, लेकिन भारत में उनकी तुलना में थोड़ा नया नया है। होता क्या है, ये ना एक म्यूचुअल फंड की तरह ही एक चीज़ होती है, लेकिन इसे आप फंड हाउस से नहीं खरीदते हैं, इसे आप शेयर बाजार में खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। कितने पैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट आप कुछ भी नहीं है, जितने पैसे आपके मन है। मिनिमम वही जो शेयर बाजार में होता है कि कम से कम एक यूनिट तो खरीदेंगे ही आप, वरना निवेश क्या होगा। रिटर्न देखिए, अगर ETF के तो ETF क्योंकि कई तरह का होता है, तो अगर वो शेयर बाजार के इंडेक्स से जुड़ा हुआ ETF है, ध्यान से सुनिए, अगर जिस ETF में आपने निवेश किया है, अगर वो शेयर बाजार के इंडेक्स यानी सेंसेक्स या निफ्टी से जुड़ा हुआ ETF है, तो उसका रिटर्न जो है 10-15% का आराम से हो सकता है। तो अगर ये रिटर्न आपके पास आएगा, तो आपके पैसे कितने साल में डबल हो सकते हैं, हमने पहले ही बताया है, पहले की वीडियो ज़रा देखिए, नहीं याद आ रहा है अगर तो आपको हम बता दें कि अगर आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पैसे 5 से 5.5 साल में डबल हो जाएंगे। टैक्स यहाँ पर कैसे लगेगा, जो शेयर बाज़ार में इक्विटी से जुड़ा, हम यहाँ पर फिर से बता दें, इक्विटी ETF से जुड़ा हुआ जो ETF है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर टैक्स की बात करते हैं, तो वहाँ टैक्स वही होता है जो नॉर्मल इक्विटी में होता है, कि एक साल से पहले अगर आपने बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा, अगर एक साल के ऊपर बेचेंगे आप तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा। अब निवेश कैसे करेंगे, निवेश वैसे ही करेंगे जैसे कि आप शेयर बाज़ार में करते हैं। तो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होगी, रिक्वायरमेंट होगी आपके पास एक डीमैट अकाउंट चाहिए और आप एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं आपके पास, तो आप ETF खरीद और बेच सकते हैं। आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर हमने मोटा मोटी उस ETF की बात की है जो शेयर बाज़ार के इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज़ जो ETF है वो कई तरह के होते हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए होते हैं और भी कई तरह के। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। पैसे अगर डबल करना चाहते हैं तो आप ये पूरी सीरीज़ ज़रूर देखिए। कोई डाउट हो, सवाल हो, तो कमेंट में लिखिए, या फिर कोई फीडबैक हो या कुछ और आप जानना चाहते हो तो उसकी सलाह भी ज़रूर दें हमें। ईमेल कर सकते हैं आप, हमारा फेसबुक पेज है बी वेल्दी के नाम से, उसको भी लाइक करें, वहाँ भी कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक बी वेल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अब कितनी बार कहना पड़ेगा, कर लीजिए, और जो घंटी बजी हुई है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं और अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए, जल्द से उसकी सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बी वेल्दी में हमारी कोशिश है कि आपको हम वो हर जानकारी दें जिससे आप अपने पैसे का कंट्रोल, अपनी कमाई, बचत और निवेश का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर।